जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ लगातार सुरक्षा बलों का एनकाउंटर पांचवें दिन भी जारी रहा। कोकरनाग में अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और इससे पहले शनिवार को सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को यहां ढेर कर दिया। अभी भी कोकरनाग के जंगलों में आतंकियों के छुपे होने की खबर है। ऐसे में आसपास के जिलों को भी अलर्ट पर रखा गया है और इसके अलावा बताया तो ये भी जा रहा है कि सेना ड्रोन से आतंकियों पर बम बरसा रही है। बता दें कि अनंतनाग के जिस कोकरनाग में ऑपरेशन चल रहा है वो हाई एल्टीट्यूड एरिया है जहां चारों तरफ पहाड़ियां बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं और आतंकी इसी का फायदा उठाकर यहां छिपे हैं। सुरक्षा बल बुधवार से ही आतंकवादियों की तलाश में जुटे हैं और इनकी संख्या 2 या 3 बताई गई है, जिसे पकड़ने के लिए आज भी ड्रोन के जरिए गोलीबारी की गई। इससे पहले शुक्रवार को जब सुरक्षा बलों ने ऐसे ही एक ठिकाने पर गोलीबारी की तो ड्रोन फुटेज में एक आतंकवादी अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखा, जिसके बाद से ही लगातार ड्रोन के जरिए नजर बनाई जा रही है। इसके अलावा सेना ने पूरे इलाकों को घेरा है जिस वजह से आतंकी भागने में नाकामयाब रहे। दरअसल बीते बुधवार को आतंकवादियों की गोलीबारी में 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक, जम्मू कश्मीर पुलिस के उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट शहीद हो गए थे, जिसके बाद से ही आतंकियों को ढेर करने का ये ऑपरेशन जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।